हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीता कुशवाहा'स रेसिपी। मैं हूं संगीता और आज की रेसिपी है ये आलू बैंगन और टमाटर की सूखी सब्ज़ी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो कम टाइम में आप बहुत ही अच्छा एक सूखा सब्ज़ी बना सकते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये चावल, रोटी और पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इस ऑयल में मैं जीरा डालूंगी। करीब 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें मैं प्याज डालूंगी। मैंने एक बड़ा प्याज इसमें कट करके डाला है, और प्याज को आप इस तरह से लंबा लंबा कट करिए और इसे 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिए। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश करके इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाला है, और साथ में ग्रीन चिली डाला है कट करके। फिर इसमें हम 2 मिनट इसको चलाने के बाद इसमें हम ये बैंगन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंगन को मैंने किस तरह से कट किया है। इस तरह से आप लंबा लंबा कट करके बैंगन को डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार और हल्दी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। फिर इसे 2-3 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। आलू को भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में कट किया है। आलू डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। ये सब डालने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से इसको मिक्स करिए और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने दीजिए और ढक दीजिए। तो देखिए, मैंने 4-5 मिनट के लिए इसको ढक दिया था और फिर इसको हटाया है जब मैंने लीड, तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बैंगन गल चुका है। इस मोमेंट पर मैं इसमें टमाटर डालूंगी। तो एक बड़ा टमाटर मैंने महीन कट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसे फिर से ढक देंगे। तो देखिए, 2-3 मिनट के लिए मैंने फिर से ढक दिया था और ये टमाटर अच्छे से मैश हो रहा है अब, और आलू भी अच्छे से पक चुका है और बैंगन भी अच्छे से पक चुका है। इस मोमेंट पे अब हम इसमें ये धनिया पत्ता डालेंगे कट करके, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। धनिया पत्ता डालने के बाद हमारा ये रेडी हो चुका है, लेकिन अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, आप नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, पर इसको डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमारी ये सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितने कम समय में सब्ज़ी आपकी रेडी हो गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।